बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल स्मार्ट टेक में। दोस्तों हर बार की तरह इस बार भी आज हम आप सभी के लिए एक बेहतरीन वीडियो लेकर आए हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर गवर्नमेंट द्वारा किसी भी स्कीम के तहत आपके जीरो खाते या फिर किसी भी तरह के अकाउंट में किसी भी तरह की राशि डाली जाती है गवर्नमेंट स्कीम द्वारा, जैसे कि अभी अभी गवर्नमेंट द्वारा लॉकडाउन के टाइम पर अभी 1000 रुपए प्रति जीरो खाते के हिसाब से डाले जाएंगे, एक गवर्नमेंट द्वारा वादा किया गया था, यहाँ पर किन लोगों के में 1000 रुपए आए हैं या फिर गैस सिलेंडर पर जिस भी तरह की छूट दी जा रही है उसकी राशि आपके खाते में आई है किसी भी स्कीम के तहत, और आप चेक करना चाहते हो कि आपके खाते में किसी भी तरह की राशि डाली गई है, जीरो खाता या फिर सेविंग अकाउंट में राशि डाली गई है और आप चेक करना चाहते हो तो बिल्कुल कर सकते हो। इसके लिए गवर्नमेंट ने एक ऑफिशियल वेबसाइट बनाई है, गवर्नमेंट द्वारा बनाई गई है, इसको PFMS कहते हैं। यहाँ पर PFMS का फुल फॉर्म होता है पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम। तो यहाँ पर आपको सिंपली गूगल पर सर्च कर देना है PFMS, सिंपली इसको लिखकर टाइप कर दीजिएगा गूगल पर। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट लिंक आ जाएगी PFMS की, मैं यहाँ पर क्लिक किए देता हूँ। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो देखिए यहाँ पर ट्रैक NSF पेमेंट यहाँ पर लिखा आ रहा है, सिंपली यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए आपको सिंपली यहाँ पर आपको अपना बैंक का नाम डालना है। बैंक का नाम डालने के बाद यहाँ पर अकाउंट नंबर और यहाँ पर आपको सिंपली पिक्चर आईडी डाल देनी है और सर्च बटन पर क्लिक कर देना है, ठीक है ना। जैसे ही आप सर्च बटन पर क्लिक करोगे तो आपके यहाँ पर अकाउंट डिटेल शो करने लगी, वहां पर बताएगा, वहां पर सारी के सारी ट्रांजैक्शन बताएंगे। अगर अगर आपके खाते में किसी भी गवर्नमेंट स्कीम द्वारा पैसा डाला गया है तो यहाँ पर बाकायदा शो किया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।